अबे पगला गए हो क्या? दिन में बैठ के शराब पियेंगे? लेडीज बैठी है सामने, दिखाई नहीं दे रहा है। सॉरी भैया जी। क्या हुआ, क्यों इतना गर्म हो रहे हो? ऐसा है तनु, तुम्हारे पति वो कमीने डॉक्टर साहब है राहू, और वो आके हमारी कुंडली में फिर से बैठ गए, और इस बार हम बता रहे हैं हम नहीं कटवाएंगे अपना। सोमवार हो या मंगलवार साले को गोली चला देंगे। क्यों गालियां दे रहे हो, क्या हुआ बताओ तो सही। 4 साल तनु, 4 साल मेहनत करके एक लड़की ढूंढी थी, ना उससे मिले ना उससे बात की, सीधा शादी को हां कर दी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जैसी दिखती है, और हम कहे तुम नहीं तो तुम्हारे जैसी सही, लेकिन तुम्हारे पति से वो भी देखा नहीं जा रहा है। साले को ओरिजिनल भी यही रखेंगे, डुप्लीकेट भी यही। क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या मतलब है इन सब बातों का? मतलब ये है कि दिल्ली में आशिकी चल रही है उनकी, हमारी मंगेतर के साथ। किसकी? मनु शर्मा की। हाँ। तुम्हें किसने कहा? हमारी दीदी ने। तुम्हारी तो कोई दीदी नहीं है। अरे है कोई दूर की, तुम नहीं जानती हो। कहाँ रहती है? अरे कहा ना, दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ? अरे उत्तम बिहार में। लेकिन मनु तो मयूर बिहार में है। अरे तो कहीं और मिले होंगे, हमको क्या पता। तो उसे तुम्हारी दीदी से प्यार हो गया है? अरे हमारी दीदी से नहीं, उनकी ननद से। लेकिन तुमने तो कहा वो तुम्हारी दीदी के साथ घूम रहा है। ओ तनु चतुर्वेदी, तुम रॉ की एजेंट हो क्या? जो कह रहे हैं समझो बात को, तुम्हारे पति प्रेम में पड़ गए हैं, धोखा दे दिया है तुम्हें, तुम्हें ठेंगा दिखा के दूसरी शादी कर रहे हैं, और इस सब में हमारी बत्ती लग गई है। मुझे क्या ठेंगा दिखाएगा वो, 40 साल की उम्र में किसी का घर बस जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। समझ गया बात कर रहे हैं यहाँ पे? मुझे क्या ठेंगा दिखाएगा वो, he's a small potato। पोटेटो हो या एप्पल, हमको कोई मतलब नहीं है। हमारी मंगेतर हमें वापस लौटा दो, या फिर तुम चली आओ हमारे पास। हमें सीधे साधे ठेकेदार आदमी, ज्यादा दिमाग नहीं है हमारे पास। बस इतना जानते हैं कि ईंट से ईंट जोड़ने के लिए सीमेंट की जरूरत पड़ती है। अब वो जेके सीमेंट हो चाहे अंबुजा सीमेंट, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ईंट से ईंट जोड़नी चाहिए बस।